أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے پیاری شہزادی بہنوں کیسے ہیں آپ اللہ وتعالى وتعالی سب کو ایمان کے درجات نصیب کرے. अल्लाह ताला नेकियों के दरवाजे हमारे लिए खोल दे हमारे दिल को फरकान दे अच्छे बुरे की तमीज़ दे और अल्लाह सुबहान कुरान का फहम दे कुरान में तदब्बुर की ताकत और क़ुव्वत दे हमारे दिमाग को इतना तेज़ कर दे कि हम छुपे हुए ख़जाने जो हैं वो पालें कुरान के आमीन 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 चलें जी आज का सबक शुरू करते हैं आज हमारी आया नंबर वन फिफ्टी एट है इमरान की और हम ओहद के हालात पढ़ रहे हैं ठीक है ये बैकग्राउंड है उसका अबूबिल्लिशीरजी रहीम व और अब वाह का मतलब हमेशा और होगा ठीक है या हालांकि व और ल इन अगर क़तिल तुम तुम कत्ल कर दिए जाओ फ़ी ही अल्लाह के रास्ते में फ़ी का मतलब होता है मे सबील का मतलब होता है रास्ता अल्लाह ही अल्लाह का अल्लाह के रास्ते में आओ या मुत तुम मौत से है ये तुम मर जाओ लमफफ़रा तलबत् मगफ़रत है से है मगफ़रत मगफरा का क्या मतलब होता है ढांकना किसी चीज़ को ढाँकना और जैसे मेकफर किसको कहते हैं हेलमेट को कहते हैं ठीक है ना हेलमेट क्या करता है हेलमेट आपके सर को नुकसान से बचाता है है ना ढक भी देता है और नुकसान से भी बचाता है तो इस तरह मगफरत क्या चीज़ होती है कि गुनाहों को ढाँप देती है और गुनाहों के कॉन्सिक्वेंस से नुकसान से बचाती है ठीक है ना तो लमतबत्ता बख्शिश है मिन, मिन का मतलब होता है से अल्लाही अल्लाह, अल्लाह की तरफ से व और रहमत राहमत है राम से खैर बेहतर है मम्म ये दो हरफ थे मिन और माँ उससे जो यजमा अब आप मुझे बताइए यज़माऊन का क्या मतलब हो सकता है हं? वो जमा करते हैं अब हमें पता है कि उर्दू में जमा करना क्या होता है जीम मीम आइन से जमा है ना तो या जो शुरू में लग जाता है ना वो के लिए होता है वो थर्ड पर्सन के लिए यजमाउन वो जमा करते हैं वाला इन और अगर मुतुम मर जाओ तुम औओिल तुम या कतल कर दिए जाओ ला ललबत्ता यकीनन इला तरफ अल्लाही अल्लाह के तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे हजर से हाशिन रासे से इकट्ठा किया जाना अच्छा अब यहाँ इन दो आयतों पर ही हम रुक जाएंगे इसका रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या ख़ुद मर जाओ बाहर हाल अल्लाह की बख्शिश और रहमत इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा कर रहे हैं और अगर तुम खुद मर जाओ या मारे जाओ हर हाल में तुम्हारा लौटना तुम्हारा इकट्ठा होना अल्लाह ही की तरफ है अब बात सारी यह है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में मारा जाए या खुद ही से अपनी तबी मौत मर जाए यानी घर में होते हुए या बीमार हो के जैसे भी दोनों सूरतों में शहीद होने की सूरत में या तबी मौत मरने की सूरत में जाना उसने अल्लाह ही के सामने है अब आप देखिए मुनाफिक या काफिर की ज़िंदगी में क्या उसका मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का फ़ायदा उठा ले माल और दौलत जमा कर ले दुनिया की शोहरत कट्ठी कर, कर ले दुनिया की मोहब्बतें कट्ठी कर, कर ले उसको दुनिया की फ़िक्र होती है और दुनिया उसकी अट्रैक्शन है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने इन सब चीज़ों को छोड़ कर, जो वो जमा कर रहे हैं इन सब चीज़ों को छोड़कर उसने अल्लाह ही के सामने हाजिर होना है और मोमिन मोमिन का मकसद हयात क्या होता है उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है और उसको मिलता क्या है उसको अल्लाह ताला का वच चाहिए होता है अल्लाह ताला की रजामंदी अल्लाह की खुशी अल्लाह के चेहरे को देखने की का शौक़ उस नीयत की वजह से अल्लाह तआला मोमिन के लिए मगफिरत और रहमत रखता है जो इन सब चीज़ों से बेहतर है जो वो कट्ठी कर रहे हैं क्योंकि जो वो इकट्ठा कर रहे हैं वो तो वो पीछे छोड़ के चले जाएंगे लेकिन जो मोमिन इकट्ठा कर रहा है वो उसके साथ अगले जहान में भी जाएगा कितने मज़े की बात है आप अभी सोचें थोड़ी देर के लिए कि मैंने घर में जो जो चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं चाहे वो कपड़े हैं मेरे बड़े फेवरेट बहुत ही ज़्यादा महबूब या मेरा जेवर है जो मुझे बहुत ही प्यारा है मुझे बहुत पसंद है या मेरी जायदाद जिस पर मुझे बड़ा मान है या मेरी औलाद कुछ भी चीज़ सोचें वो सब की सब जब मैं मरूंगी तो पीछे रह जाएंगे वो सब पीछे रह जाएंगे उनमें से कोई भी मेरे साथ कब्र में नहीं जाएगा और अपनी वफा नहीं निभाएगा लेकिन कौन सी चीज़ वफा निभाएगी अगर मैं अल्लाह सुबहान तै के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई है मैंने हर चीज़ में अल्लाह ताली का नाम लिया हुआ है मैंने अपने मकसद ज़िंदगी का ये बनाया हुआ है जैसे अल्लाह ने खुद ही कहा है ना वमा ख़ल वालसा लिया आप कि मैंने इंसानों और जिन्हों को नहीं पैदा किया मगर एक मकसद के लिए और वो क्या है कि वो मेरी इबादत करें तो इबादत फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है फॉर्मल इबादत नमाज ज़क़़्त रोज़ा हज शहादा ये ये वाज़ किस्म की चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं जो इबादत अल्लाह ने तखसूस की है फॉर्मल की है उसका तरीक़ा बताया है उसका वक्त बताया है हर चीज़ गाइड की है और इन फॉर्मल इबादत क्या होती है कि हम खाना खा रहे हैं सो रहे हैं जाग रहे हैं सब के सब चीज़ों में हम अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं बिसमिल्ला करके लेटते हैं बिसमिल्ला करके खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो करके खाना ख़त्म करते हैं निकलते वक्त घर से दुआ पढ़ते हैं अंदर आते वक्त दुआ पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं तो अल्लाह के लिए शेयर करते हैं तो अल्लाह के लिए रोकते हैं तो अल्लाह के लिए हर चीज़ में हमारा फोकस अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात है तो ये इनफॉर्मल इबादत है वो सब हम इबादत करें किसी को अच्छा मशवरा दे रहे हैं किसी के साथ खाना शेयर करें यह सब इबादत में शामिल होते हैं ठीक है ना तो उसकी वजह से मोमिन जो है चाहे वो अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाए या घर में फौत हो चूंकि उसकी नीयत और उसका इरादा अल्लाह सुबहाना तला को राज़ी करना है तो उसके लिए क्या होगा मगफरत और रहमत होगी और वो अगले जहान में उसके साथ साथ होगी उसकी मददगार और असल में याद रखने की क्या बात है के अगर मर जाओगे या कत्ल कर दिए जाओगे तो सब ने सब के सब ने अल्लाह ताला की तरफ इकट्ठा होना है कोई अल्लाह ताला से छुप नहीं सकेगा और मालो दौलत दुनिया में इकट्ठे करने वाले बहुत नीचे चले जाएंगे और जिन्होंने अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत डिजर्व की वो बहुत ऊंचे हो जाएंगे उनकी मगफिरत और रहमत जो उनको मिलेगी वो उस दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर है जो बाकी के लोगों ने दुनिया में इकट्ठी की तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों आज के सबक से हमने क्या सीखा कि आ, कोई भी किसी भी हाल में मुमिन मरता है ना चूँकि उसकी सारी सारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला को राजी करना होता है और हर हर लम्हे पर उसके दिल में अल्लाह का ख्याल होता है तो वो अपने इस ख्याल की वजह से और इस ध्यान की वजह से इस तकवा की वजह से अल्लाह ताला की मफफ़रत और रहमत का हकदार हो जाता है और जब दुनिया में लोग बहुत गाड़ियों बंगलों और दौलत वाले हों तो उनको रश की निकाह के से देखने की बजाय क्या कहना चाहिए इन आयश आएशा, है आयशर असल में तो जिंदगी आखरत की जिंदगी है वहाँ पर जो हमें लग्जरी और सहूलत मिलेगी वो इस दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा बाकी रहने वाली है इस दुनिया की दौलत इकट्ठे कर करके भी अचानक मौत आ जाए तो कितना रिग्रेट लगे कि जितना इतना कुछ इन्वेस्ट किया था वो हाथ से चीजें निकल गई इसलिए काफिर को काफिर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो मुश्किल से उसकी जान निकलती है और मोमिन की जान घड़े में से जैसे पानी निकलता है हदीस से पता चलता है उस तरह निकलती है क्योंकि उसने आगे की तैयारी की होती है आगे पर उसकी नज़र होती है उसने अगले घर को सजाया होता है तो उसी घर की तरफ उसकी अट्रैक्शन होगी ना और काफिर चूंकि दुनिया को सजाया था दुनिया में इन्वेस्ट किया था तो फिर उसकी अट्रैक्शन दुनिया की तरफ होती है वो पीछे की तरफ पलटती है उसकी रूह और मोमिन की रूह आगे की तरफ पलट जाती है बढ़ती है और कहती है कि अल्लाह ताला की तरफ मैं जाने के लिए तैयार हूँ शौक होता है उसको अल्लाह ताला की मुलाकात का ठीक है मेरी प्यारी भैया चले अल्लाह सुबह से दुआ करें अल्लास और शौकअल मेरे दिल के अंदर आपकी मुलाकात का शौक है और आपके चेहरे को देखने की लज्जत मुझे चाहिए बारक अल्लाह फीकुम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहद व ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतौब इलैक अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू